दोस्तों कहते हैं कि जलंधर भी भगवान शिव का ही पुत्र था। हालांकि पौराणिक कथाओं के अनुसार जलंधर भगवान शिव का सबसे बड़ा शत्रु था। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार जलंधर असुर शिव का अंश था, लेकिन उसे इस बारे में पता ही नहीं था। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया, जिससे जलंधर उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ति थी और इसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर को उससे अभिमान हो गया और वह देवताओं के विरुद्ध कार्य कर उनकी स्त्रियों को सताने लगा। उसने इंद्र को पराजित कर त्रिलोकाधिपति बन गया। उसके बाद उसने वैकुंठ जाकर देवी लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने की योजना बनाई, लेकिन देवी लक्ष्मी ने कहा कि आप और मैं दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, अतः हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों को मानकर जलंधर प्रभावित हुआ और लक्ष्मी को बहन मानकर वैकुंठ से चला गया। उसके बाद उसने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई और सभी असुरों को इकट्ठा किया और कैलाश जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए प्रयास करने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई और तब महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा, लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान शिव का हर प्रहार निष्फल कर देता था। अतः देवताओं ने मिलकर योजना बनाई और भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण कर उसकी पत्नी के पास चले गए। जलंधर समझकर जलंधर की पत्नी उसके पति समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया और शिव ने जलंधर का वध कर दिया। विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया और तब उसकी राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। दोस्तों, भारत के पंजाब प्रांत में वर्तमान में जालंधर नगर जालंधर के नाम पर ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।